अंबाला में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन प्रधान ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के अंदर मौजूद कुछ अधिकारी सरकार और यूनियन के बीच तालमेल नहीं बैठने देना चाहते। रोडवेज यूनियन प्रधान ने बकायदा कुछ अधिकारियों के नाम लेकर आरोप लगाया कि वो लोग सरकार और कर्मचारियों को बातचीत के लिए टेबल पर आने नहीं देते। को मैंने भी 38 साल की नौकरी हो गई है रोडवेज के अंदर, लगभग 30 साल से मैं सेंटर में कार्य कर रहा हूं, और उससे आज हमें यह आभास हो रहा है कि हमने कई सरकारें देखी हैं, कभी भी ऐसा रवैया किसी जनतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं देखा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन करे और सरकार वार्ता पे नहीं आए। और अब जो वार्ता पे नहीं आ रही है, बीच में कुछ अधिकारियों का रोल इस प्रकार का है कि वो हमें टेबल पर नहीं आने देना चाह रहे। कौन अधिकारी हैं वो? चाहे हमारे ACS हैं, FCT साहब हैं, श्री माननीय श्री धनपत सिंह जी, वो लगातार, क्योंकि उन्होंने ये प्राइवेट पॉलिसी बनाई है, उन्होंने वो लाई है, और वो उन्होंने पीछे आश्वासन दिया था, बेकायदा ये मीटिंग में आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री से तालमेल कमेटी की जल्द बैठक कराऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आगे कोई प्रक्रिया नहीं है और कोई वार्ता। हम भी चाहते हैं कि वार्ता से इसका निपटारा हो, जब तक वार्ता नहीं होगी ये आदर में रहेगी, जनता भी परेशान होती रहेगी और कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं, और एक से तुगल की फरमान जो मतलब अधिकारियों के स्पेशल एक FCT की तरफ से जो लगातार मतलब एक सरकार को बदनाम करने के लिए, कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए और पब्लिक को परेशान करने के लिए एक से एक तुगल की फरमान आदेश दिए जा रहे हैं, उससे जनता लगातार परेशान। और आज रोडवेज के हालात ये हो गए हैं कि आप डिपुओं में जाइए, आपको डिपुओं में बसें, सैकड़ों बसें खड़ी मिलेंगी, जबकि सरकार एक तरफ कह रही है कि बसें नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि बसें नहीं है, पब्लिक को ज़्यादा बसों की जरूरत है, लेकिन उसके बाद जो बसें थी वो भी आज खड़ी कर दी गई हैं। इस प्रकार के कोई व्यवस्था नहीं की। हम कहते हैं कि ओवर टाइम बंद करिए, 8 घंटे की ड्यूटी लिए, इसका स्वागत करते हैं हम, लेकिन उसकी व्यवस्था कीजिए, उसके लिए चालक परिचालक की भर्ती होगी जरूरी है, नॉर्म बढ़ेगा, अभी हमारे पास 1.4 का नॉर्म है, और अगर ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी है, कम से कम हमारे पास जो दूसरी स्टेटों में है 1.16 का नॉर्म चाहिएगा, अगर सरकार ओवरटाइम बिल्कुल खत्म करना चाहती है, हम इसका स्वागत करेंगे और पहले भी हमने तालमेल कमेटी ने इसका स्वागत किया है। वहीं जब उनसे परिवहन मंत्री से मिलने संबंधित बात की गई तो उनका कहना था कि इस सब में उन्हें कहीं भी परिवहन मंत्री का रोल नजर नहीं आया, जबकि इस मामले में सबसे अहम भूमिका और जिम्मेदारी परिवहन मंत्री की ही बनती है। इसके लिए भी उन्होंने सीधा सीधा सरकार में मौजूद आला अधिकारियों पर ही उंगली उठाई, जो कि रोडवेज यूनियन की मंत्री से बात नहीं होने देना चाहते। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि रोडवेज यूनियन भी चाहती है कि जल्द से जल्द सरकार से बातचीत कर इस समस्या का कोई हल निकले, लेकिन सरकार के चंद अधिकारी इस तालमेल बैठक को सफल नहीं होने देना चाहते। यही कारण है कि हर रोज तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि रोडवेज कर्मचारियों को किस तरीके से दबाया जाए। ये हमें तो इसमें परिवहन मंत्री कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इस आंदोलन के अंदर परिवहन मंत्री का एक जो जिम्मेदारी का रोल होना चाहिए था, वो रोल उनका कहीं पर भी नहीं है। पूरी हड़ताल के अंदर कहीं नजर नहीं आया कि कोई ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है या नहीं है। इस सरकार में हमने पहली बार देखने को मिला, जबकि उनकी अहम जिम्मेवारी बनती थी कि अगर इस प्रकार की बात है वो वार्ता पे, तो वो बिल्कुल भी वार्ता पे नहीं आए। अगर एक बार आए वो भी एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि फॉर्मेलिटी करने के लिए, वो मुश्किल से आधा घंटा बैठे और बैठ करके चले गए और ना कोई बात करी उन्होंने, क्योंकि FCD अधिकारियों ने बीच में घेर करके उनको कोई बात ही नहीं करने दी। उनको तो मतलब इस प्रकार से था जैसा कि अधिकारियों ने मतलब हाईजैक किया हो पूरे के पूरी सरकार को। ये हालात मतलब इसमें बने हुए हैं और इसीलिए वार्ता नहीं हो पा रही है, नहीं तो जब भी हमने आंदोलन किया वार्ता हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने जब 30 जनवरी 2015 को वार्ता की थी रोडवेज के तालमेल कमेटी से, उस समय घोषणा की थी, यही मुख्यमंत्री की थी, इन्होंने घोषणा की थी कि 5100 बसें हम रोडवेज के बेड़े में करेंगे। उस समय 4500 बसें थी हमारी, ये नए नए आए थे, लेकिन आज हालात ये है कि 4500 से भी हमारी 3900 से कम बसें रह गई हैं, और आगे 5100 तो बहुत दूर की बात है, बढ़ने की बजाय घट रहा फ्लीट, कर्मचारी घट रहे हैं, रेगुलर भर्ती नहीं है कहीं पर भी। इस प्रकार की जो हमारा यही प्रयास था कि सरकार टेबल पर आए, हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक सरकार तक पहुंचा सके कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं विरोध कर रहे कि भाई ये जनता को सुविधा देगी, हम इसलिए विरोध नहीं। आपको बता दें, आज रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने प्रदेश के उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने पिछले दिनों हुई रोडवेज की हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और हड़ताल के चलते एस्मा लगवा कर जेल यात्रा भी की। वहीं उन्होंने चेतावनी भरे लिहाजे में कहा कि यदि सरकार जल्द नहीं सुधरी तो जल्द ही बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। नहीं, हमको कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, कोर्ट के जो आदेश है उनका हमने पालना की है, अभी कहता हूं ना ही कोर्ट ने कोई ऐसा कहा है कि भी हमारी कोई इलीगल हड़ताल कोई ऐसा नहीं हुआ। हम केवल जो कर्मचारियों ने जनता के हित में और सरकारी मतलब कर्मचारियों के हित में जो आंदोलन किया है और वो आपस की हमारी रणनीति है, इसमें कोई हम सरकार के खिलाफ नहीं मतलब जा रहे, कोई ऐसी बात है या कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की कोई अवमानना नहीं है इसमें, और हम ना करना चाहते ना हमने।
हमने तो बल्कि कोर्ट के दोनों उम्र के आदेश माने हैं और सरकार कई बार अवहेलना कर चुकी है उन आदेशों की। कई बार सरकार ने जैसे ये बार बार आदेश दिए जा रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाली तारीख में ये सभी के सभी के जो सरकार बार बार आदेश कर लिए, ये आदेश कोर्ट में रखे जाएंगे कि ये कोर्ट की अवमानना की जा रही है और इस पर संज्ञान लिया। बड़ा सवाल ये है कि क्या चेतावनी के बाद सरकार अभी से वक्त रहते इस पूरे मसले पर कोई हल निकाल पाती है या प्रदेश एक बार फिर हड़ताल की चपेट में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद एक्सप्रेस।